feeling happy that ki main is show ko co-sponsor kar rahi hu and kyunki ye good cause hai kyunki hum bacche ke liye kuch kar rahe hain so fir I'm happy for that yeah actually yeah sure green is my favorite color and unhone jo kaam kiya golden to I really like green color so that's why I'm wearing this dress today and I'm really happy एक्चुअली माई प्रोडक्शन हाउस इज मेक ब्रांड एंड मैं दो फिल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ एक है रॉबिन हुड के पोते एंड अनदर वन इज वन वे टिकट उसका शूट हमने जस्ट इटली में पूरे यूरोप में किया था लाइक स्पेन में एंड मार्शल एंड बहुत सारी काफ़ी जगह पे हमने शूट किया है एंड येस आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कर दिस आर टू माय वेरी स्टार्ट में ही मैं कर रही हूँ ऐसा प्रोजेक्ट आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट थैंक यू रिचुअल तो ले ले कितना यूनिक इनिशिएटिव कितना अच्छा है मतलब बहुत ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है उनका आई थिंक सो उम्मीद से वो जुड़ी हुई हैं एंड बहुत मेरे को जब उनको फ़ोन किया उन्होंने इस संस्था के बारे में बताया तो मैं बहुत इमोशनली टच्ड हो गया और मैंने तुरंत को हाँ कर दी मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल था आज का उसके बाद में सब कुछ काम छोड़ के मैंने कहा नहीं आई विल सपोर्ट दिस कॉज एंड अब जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा आई थिंक वी ऑल हैव कम टुगेदर टू सपोर्ट मनाली एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट आपका ड्रेस भी काफ़ी यूनिक है इसके बारे में जाना था मैं क्या ये कॉन्सेप्ट है देखिए हमेशा तो मैं बहुत यूनिक ही कपड़े पहनता हूँ जैसे आप जानते हो तो मैंने उससे मेरे को शेरवानी थी उसमें मैंने उसके ऊपर एक मैंने ड्रेप कर लिया है इस तरह कुछ अभी स्टेज में जाऊंगा तो और डिफरेंट ड्रेप करूंगा तो देयर आर यू ये खुद का क्रिएशन है किसी ने एडवाइस किया आपको देख क्रिएशन तो मनाली का है पर थोड़ा सा थॉट मैंने प्रोसेस डाल दिया और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है किसी फिल्म पे काम कर रहे हैं जी अभी एक दो तीन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं जाने वाले समय में आपको बताएंगे और आप एसोसिएट खुद होना चाहेंगे किसी ऐसे ऑफ कोर्स उम्मीद के साथ मैं एसोसिएट होना चाहूंगा बिकॉज़ आई थिंक ये कोर्स मैंने पता किया कि बहुत से लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप देखेंगे उम्मीद के लिए मैं बहुत कुछ आने वाले सालों में करूंगा थैंक यू सो मच सी जितने भी लोग हैं जो अपने एनजीओस के लिए काम करते हैं और सोसाइटी में जो लोग हैं जो सोसाइटी में लेस चैलेंज हैं या जो भी हैं आई थिंक वी शुड ऑल हेल्प देम एंड आई थिंक उम्मीद इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज शी डील्स विद किड्स विद ऑटिज्म किड्स विद यू नो लॉट ऑफ डिफेक्ट्स डेफिशिएंसीज जो भी हैं एंड आई थिंक शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब विद दिस एंड आई एम ट्रूली सपोर्टिंग द कॉज टुडे मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करती हूँ आई एम वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व विद अ होम कॉल सेंट कैथरीन्स होम फॉर द लास्ट 15 ईयर्स बट आई बिलीव कि अगर आप चैरिटी कर रहे हैं तो उसका ढिंडोरा मत पीटिए दिस इज़ व्हाट आई टोटली बिलीव इन उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ अपने मन में हर किसी को जो भी अपने तरफ से आप कर सकते हैं आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड डू इट हमने 4 साल पहले शुरू की थी और जब हम कॉलेज में थे तभी शुरू की थी और एक्चुअली एक दिल में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था और हमें कुछ करना था मतलब सोसाइटी तो हमने फ्रेंड्स सारे फ्रेंड्स मिलकर ये सब शुरू किया था बट आई डोंट आफ्टर द टाइम मैं इंडस्ट्री में आई हूँ आफ्टर द टाइम यू नो व्हेन द इंडस्ट्री स्टार्टेड बिकमिंग सो क्लोजर एंड फ्रेंड्स बन रहे सारे दे सपोर्टिंग सो मच तो हमने सोचा कि बच्चों की खुशी के लिए बिकॉज इट वॉज चिल्ड्रंस डे एंड बच्चों की खुशी के लिए वी थॉट दैट वी शुड डू समथिंग जहाँ पे उनको भी वन डे ऑफ ग्लैमर मिले एज एन एन जी ओ हम बहुत कुछ करते हैं उनके लिए एज एन एन जी ओ हम यू नो उनका एजुकेशन करते हैं उनके बेसिक उनका मेडिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं
बट उनको सेलिब्रिटीज़ को मिलना या उनको ये सारा कभी कभी ये सब मिलता नहीं उनको करने के लिए. तो आई थॉट दैट इफ आई कैन गेट ऑल माई फ्रेंड्स टुगेदर एंड मेक देम मीट देम एंड लेट देम वॉक द रैंप विद देम, बहुत मज़ा आएगा. एंड दे जेन्युइन, मैंने दिस इज़ आवर सेकेंड ईयर ऑफ स्टार वॉक एंड लास्ट ईयर उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ा किया था. एंड दिस इज़ नॉट टू डू एनी थिंग विथ कि ओ इवेंट करना है या एनी थिंग, दिस इज़ मोर ऑफ ये करना है क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा इच्छा थी. इवन लास्ट ईयर व्हेन वी डिड इट, वी कुडंट डू इट फॉर वन ईयर, बट दे केप्ट आस्किंग कि नहीं करना है करना है करना है, इसलिए दिस ईयर ऑल्सो वी डिसाइडेड वी हैव टू डू. या सो बिकॉज इस बार लास्ट ईयर वी हैड 38 पीपल वॉकिंग, 38 सेलिब्रिटीज वॉकिंग, दिस ईयर वी क्रॉस्ड 52 सेलिब्रिटीज एंड आई वॉन्ट टू ग्रो एवरी ईयर. आई होप सम डे वील हैव मोर देन 150-200 सेलिब्रिटीज, बट एवरी वन ऑफ देम हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव. दे आर ऑल वेरिंग माई क्रिएशन, दे आर ऑल वेरिंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएशन. इन फैक्ट दे आर वेरिंग डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन. You will see every design is different than each other. Something that suits them, something that they carry off really well. So, I'm really excited about it. मैं तो हमेशा excited होती हूँ जब रैम. I just believe कि every show is a task. Every show is we are growing with every show. So I मुझे ऐसे लगता है कि every time I have to walk the ramp, I'm nervous. And I'm excited. So, Manali, आज आपसे एक खास बात जानना चाहेंगे. Right. So basically, आजकल we have a lot of fashion show जो fundraiser कर रहे हैं, जो lot of things कर रहे हैं. But this is special, like I said, because the children are walking with the celebrities. They're all special children, they're all Down syndrome children, and they're actually walking with them. And I think that is more special because here the child is actually getting to actually feel that, you know, vibe of glamour, to actually see what a celebrity goes through in a day-to-day life. And we want to give them that little experience because they get really excited and happy to do this. All of them are really special to me because बहुत सारे लोग उनके shooting schedules को छोड़ के आए हैं. We have a lot of television people walking. We have Ritwik, Asha, we have Ajaz and his wife and his really cute son. We have, and it's not just the celebrity, it's about, you know, the families are walking with them, their bachcha are walking with them to support the cause. So it's really exciting. There's Rishta, there is Amrita, there are a lot of people. I think you should see that. Whoever is walking, you should see that. That's going to be a little surprise. Thank you so much.